बरं ना, पहिला टप्पा भरा, अर्धा भरून टाकला. हो, चालेल चालेल. हो चालेल चालेल. भरा, भरल्यानंतर मला स्क्रीनशॉट या नंबरला, आपला तुम्हाला जो नंबर सांगितला आहे ना त्या नंबरला टाक. हो चालेल. एवढा असं समजत चालू आहे सर. दोन राहिले, चार जण राहिले, एक जण राहिला बाबा. आता ऐका, अजून म्हणतो ना फोन टप्प्या टप्प्याने बांधले तुझं झालं का मग सेटलमेंट? कसलं? रात्री दोन सेटलमेंट झालं होतं. नाही हो, ते त्या पोरगीचं पोर्टुगल होत, ते काय त्यांचं ते बेकारला पडे होऊन गेले. म्हणजे पगार नाही काही नाही, तो त्यांचा तो गौरव राजपूत तो सोडून चालला गेला कंपनी. जिल्हा क्लिअर नाही, या पोरांचे पैसे खर्च होऊन गेलेले, या पोरांचे पैसे खर्च होऊन गेले स्वतःचे. चलो अभी आ गया, दिख रहा है अनुराग. चलो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी, पीरियड स्टार्ट हो रहा है. ओके, कल का टेस्ट अच्छे से हो गया. अब हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा है. रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज बताया, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं. अभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमते हैं, लेकिन कहाँ घूमते हैं बताया नहीं उसने. जो भी बताया बहुत कुछ है, इतना बड़ा डिस्कवरी है, फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारा. इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द सेम, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इन अ डिफरेंट शेल इज कॉल्ड प्लेनेटरी मोशन. इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टूगेदर इन अ एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? चलिए आगे. रदरफोर्ड का मॉडल के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं अगला मॉडल की तरफ जा रहे हैं. रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें हमें दी है. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये भी कंसेप्ट सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, ये भी उन्होंने बताया हमें.
चलो अभी अगला जो मॉडल है हमारा नील बोहर का मॉडल रहेगा और ये हमारा बहुत बढ़िया मॉडल है, इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी हमारा जो पहला मॉडल था रदरफोर्ड का, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमें कुछ लिमिटेशंस मिल गए। ओके, रदरफोर्ड ने हमें ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो रहे, कैसे मूव होते, और इलेक्ट्रॉन मूव होते होते उसका एनर्जी लॉस होगा और एक न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? या फिर इलेक्ट्रॉन, देखो लिखो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। पहला, why the revolving electron around the nucleus is not fall down in the nucleus after some time। मैंने एकदम आपको आसान भाषा में लिख दिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते घूमते धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, हमें क्या पता चल रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज इन अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो एनर्जी इमिट करती है, एनर्जी लूज करती है, अगर उसका एनर्जी लूज हो जाएगा तो एक दिन वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और सेकंड पॉइंट ये कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट थ्रोन आउटसाइड। अगर आपका न्यूक्लियस यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर क्यों नहीं फेंका जा रहा है? तो मोशन में है ना, मोशन में आते आते उसका एनर्जी तो डिक्रीज होकर नीचे गिर जाएगा या फिर ऐसा बाहर फेंका जाएगा, तो ये ऐसा भी क्यों नहीं हो रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन कहां पे घूमता है, कितने डिस्टेंस पे घूमता है, उसका जब घूमेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, ये कोई बात उन्होंने एक्सप्लेन करके नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बस ये दो लिमिटेशंस लेकर बोर ने अपना मॉडल बताया। बहुत बढ़िया मॉडल बताया उन्होंने और वो मॉडल अभी तक एक्सेप्ट किया गया है। सभी कुछ सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करके दिया है उन्होंने।
चलो आगे लेंगे अभी मोर्स एटॉमिक मॉडल. चलो बोर्स एटॉमिक मॉडल. हिटिंग दो अभी बोर्स मॉडल ऑफ द एटम या बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स मॉडल ऑफ द एटम. द बेसिक पॉइंट को बोलते हैं पॉस्टुलेट्स. मेन पॉइंट्स क्या है उसके पॉइंट्स. मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोलेंगे पॉस्टुलेट्स. द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी. बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी. बोर थ्योरी के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है. Now we are going to see one by one. Pehla, the electrons are electrons are circulating around the nucleus in a definite energy path called as shells या फिर orbit या फिर और एक नाम है उसका वह energy level. ओके देखिए electrons are circulating around the nucleus in a definite energy path. Around the nucleus in a definite energy path called as a shells, orbit or energy levels. The energy levels are, yeah, the shells are. Shells are K, L, M, N, O, dash. शिवानी बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका. नो सर सॉरी. हाथ ऊपर करते हो और क्वेश्चन नहीं पूछते. जाने दो. The shells are K, L, M, N, O. K. The maximum number of electrons can be maximum number of electrons can be
maximum number of electrons can be occupied in any shell is 2n square comma where n equal to shell number. ఫ్రెష్ అప్లై షేల్ నంబర్ 1, 2, 3, 4, 5 शेल कौन सा है अगर 1 KLMNO n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 अभी पहला शेल है हमारा K शेल उसके अंदर कैपेसिटी कैपेसिटी कितना रहेगा फार्मूला है हमारा 2n स्क्वायर n का वैल्यू अभी क्या लिखना पड़ेगा पहला शेल है के शेल तो 1 2 1 स्क्वायर कितना आएगा 2 यानी के शेल का कैपेसिटी 2 है अभी देखिए l l शेल क्या फार्मूला हमारा 2n स्क्वायर n का वैल्यू l के लिए कितना आएगा n का वैल्यू 2 आएगा ओके 2 स्क्वायर सो 2 स्क्वायर कितना आएगा हमारा 4 4 into 2 so the capacity will be 8 and in second shell ki capacity 8 aayega n equal to 3 so 2n square hamara formula hai 2 into 3 square aayega so 2 into 9 iska matlab aa gaya 18 electrons can be accommodated in a third shell dekho pehla hi point chal raha hamara aise hamare paas 10 point hai pura atom ka kundli dekh rahe hum abhi n equal to 4 wala 2n square so 2 into 4 square 2 into 16 kitna aayega 32 fourth shell ke andar maximum 32 electrons can be accommodated n equal to 5 so 2n square 2 into 5 square 2 into 25 kitna aayega answer 50 it means 15 electrons can be accommodated ओके ये डायग्राम में बाजू निकाल लो छोटा सा
हो गया लिखा लिखा चलो ब्रेकफास्ट भी दवाखान्या आलू मिल मसाले हेलो साढ़े दहा पर्यंत काळी ओके करून देऊ बघू आला लाईट ठीक ओके चलो सेकंड की तरफ जाएंगे अभी सेकंड पॉस्टुलेट में जाएंगे अभी दूसरा पॉस्टुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन The energy of an electron in orbit does not change with time does not change with time That is, while revolving around the nucleus, electron will not lose or gain energy equal to इसी को बोलेंगे हम स्टेशनरी स्टेट या फिर उसे ये वर्ड ठीक है स्टेशनरी स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है वो एनर्जी लूज भी नहीं करेगा एनर्जी गेन भी नहीं करेगा अगर उसने कोई एनर्जी गेन किया तो जंप करेगा हायर ऑर्बिट में अगर उसने एनर्जी लूज करना है तो लोअर ऑर्बिट में आना है वो अगला पॉस्टुलेट आएगा हमारा The energy of an electron in orbit does not change with time. That is, while revolving around the nucleus, electron will not lose or gain energy. उसे बोलेंगे stationary state. अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मूव करेंगे उसके लिए जबरदस्त पॉस्टुलेट है हमारे पास
अपने हिसाब से नहीं मूव कर सकते हो। तीसरा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत दिनों के आखिरी के चैप्टर में भी मिलेगा, थर्ड पॉइंट का और ज्यादा एक्सप्लेनेशन। द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन अ ऑर्बिटल वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम वी आर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर बोलेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई आप लिख देता हूं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। इस पॉस्टुलेट का मतलब क्या हुआ? एम वी आर मास वेलोसिटी और रेडियस, मास वेलोसिटी एंड रेडियस एम वी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल यानी एन एच अपॉन टू पाई, ये फॉर्मूला रहेगा। आगे जब कैलकुलेशन आएंगे तब मैं और इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर का मतलब रेडियस कितने डिस्टेंस पे वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा अपने न्यूक्लियस से, एन का मतलब पहला शेल के लिए वन वैल्यू दूसरे के लिए टू, ऐसा एच हमारा प्लैंक कॉन्स्टेंट है। एच इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इसका वैल्यू फिक्स है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का। ओके, वो भी बाद में लेंगे, सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब वेलोसिटी, आर का मतलब है रेडियस, अभी शुरू में आप कोशिश भी था इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, चार पांच न्यूमेरिकल तो भी सॉल्व करेंगे आप, लेकिन अभी जब तक पूरा पॉस्टुलेट नहीं बताए इतना थोड़ा 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 ऐड करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको नए नए टर्म्स आ रहे हैं, मैं जानता हूँ आपको धक्का मार के आए विलियन क्लास में, इसलिए आपकी बैच को धक्का बैच बोला जाएगा। सीबीएसई ने धक्का मारा, डायरेक्ट 10th से 11th में आ गए, महाराष्ट्र सरकार ने धक्का मार दिया आप लोगों को, नसीब वाले आप लोग। हो गया, चलिए तीन नंबर हो गया, अभी चार नंबर पॉस्टुलेट है, अगले पेज पे लेंगे। चार नंबर और पांच नंबर एकदम ए। इफ एन इलेक्ट्रॉन
absorbs energy, then it will jumps to higher energy level, या फिर उसे बोलेंगे शेल, हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। देखो क्या यहां पे रहेगा हमारा न्यूक्लियस, पहला शेल है हमारा के, दूसरा शेल है हमारा एल। यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन था पहले, यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन था, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एनर्जी लेवल में उसको अगर आना है तो यहाँ पे उसका जो एनर्जी था वो हमारा E1 था, यहाँ पे आएगा तो एनर्जी E2 आएगा, तो डेल्टा E आएगा हमारा E2 माइनस E1। ओके, इसे बोलेंगे हम एनर्जी एब्सॉर्ब, एनर्जी एब्सॉर्ब रहेगा ये इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और ये जंपिंग क्यों होता है? ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ओके, चलो अभी इसके अपोजिट लिखना है हमें, पांच नंबर, इफ एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स, यानी बाहर डालना, इमिट्स एनर्जी, देन इट विल जंप नहीं करेगा, नीचे गिर जाएगा, फॉल डाउन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। क्लियर? चलो यहां पर भी छोटा सा डायग्राम निकालेंगे, के शेल, और हमारा रहेगा एल शेल। देखो अभी यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर कर अभी नीचे गिर रहा है, ये हो गया अभी इस बार हमारा ई वन, और ये बन जाएगा फाइनल ई टू। ओके, सो डेल्टा ई का मतलब रहेगा हमारा ई टू माइनस ई वन, यही रहेगा, लेकिन यहां पे एनर्जी रिलीज, या फिर हम इसे बोलेंगे एनर्जी गिवन आउट, या फिर हम इसे बोलेंगे एनर्जी इमिटेड, जल्दी पूरा मॉडल करना है हमें। अभी एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये तीन पॉइंट हमें और देखना है, एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी। हो गया? चलो सिक्स्थ पॉइंट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
in a shell can be calculated as energy n equal to minus 1312 n square into z square kilo joule per mole. ये फार्मूला है हमारा. Where n equal to shell number, पहला शेल है तो वैल्यू वन आएगा, शेल नंबर. एंड z equal to एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेमेंट. अगर हाइड्रोजन है तो उसका वैल्यू वन आएगा, हीलियम है तो जेड का वैल्यू टू, लिथियम है तो जेड का वैल्यू थ्री. इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे हमें. बहुत बड़ा फार्मूला है, उसको कैलकुलेट करके हमने इतना निकाला है, आपको इतना याद रखना है बस. सेवन, अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो किस कितने स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड एज velocity equal to 2.19 into 10^6 z upon n meter per second. Eight, the distance or radius of shell in which electron is present from nucleus can be calculated as Rn equal to (0.0529) into n square upon z nanometer. N equal to shell number, z equal to atomic number, यही आएगा हर एक तरफ. R equal to radius. लिखो बिल्कुल आराम से फार्मूला लिखो, और ये फार्मूला कल तक मुझे याद होना चाहिए हर एक का.
फिर कल अभी पूरा न्यूमेरिकल, कल परसों दो दिन तक तो न्यूमेरिकल ही आना है। बहुत सारे फार्मूले हो गए, ये तीन फार्मूला, एनर्जी डिफरेंस वाला चार फार्मूला, ये एंगुलर मोमेंटम वाला पांच फार्मूला, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन वाला सिक्स फार्मूला। चलो जी लिखो, कंप्लीट करो, फिर और एक बार एक्सप्लेन करके देता हूँ हर कोई चीज। सर वो 8 पॉइंट की सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? सर 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 चलो हो गया, दो मिनट के अंदर फिनिश करो सब। सर
सर सर सर चलो अभी देखते हैं पहला पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट थर्ड पोस्टुलेट पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है कोई बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट एनीबडी पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है चलो बताइए कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट मैसेज में डालो चैटिंग में डालो पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है मैंने बताया था शुरू में द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स ठीक है अभी क्या है द इलेक्ट्रॉन आर सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट एनर्जी पाथ कॉल्ड एज शेल और ऑर्बिट जैसा हम ओलंपिक में देखते हैं रनिंग का कंपटीशन होता है तो हर एक को अपने ट्रैक में ही रनिंग करना पड़ता है अपने ट्रैक में से दूसरे ट्रैक में वो जा नहीं सकता वैसा ही इलेक्ट्रॉन का ट्रैक है न्यूक्लियस के अराउंड में उसे हमने शेल का नाम दिया है ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम दिया हुआ है द शेल्स आर के एल एम एन ओ लाइक दैट मैक्सिमम नंबर कैन बी अकोमोडेट इन एनी शेल इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज द 2n स्क्वायर वेयर n इक्वल टू शेल नंबर अगर पहला शेल है तो n का वैल्यू 1 दूसरा तो n का वैल्यू 2 फॉर थर्ड n इज 3 फॉर फोर्थ शेल n इक्वल टू 4 एंड फॉर फिफ्थ शेल n इक्वल टू 5 उनको के एल एम एन ओ नाम दिया है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्युपाइड हो सकता है 2, 8, 18, 32, 50 एज पर द फार्मूला सेकंड क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर जंप करेगा तो क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो जंप करेगा देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज हाँ ये रहेगा हमारा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में चेंज नहीं करेगा जब वो रिवॉल्व होगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ पर्टिकुलर स्पीड के साथ रिवॉल्व होता रहेगा कितने दिन तक रिवॉल्व करेगा हमें पता नहीं रिवॉल्व होता रहेगा सालों साल सदियों तक इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड ओनली उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका वैल्यू एम वी आर इक्वल टू एन अपॉन एच अपॉन टू पाई होता है ये कैसा है आगे और आएगा अपने को चलिए फोर्थ पोस्टुलेट क्या बताता है हमें ई पेन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी अगर मिल जाता तो लोअर एनर्जी से ऊपर एनर्जी में जंप कर देगा अगर एनर्जी इमिट करना है उसको तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में उसको नीचे आना पड़ेगा नीचे होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है तो एनर्जी उसका कम होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो उसका एनर्जी है नेचुरली बढ़ जाएगा चलो ओके सिक्स्थ पॉइंट क्या है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन शेल कैन बी कैलकुलेट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे पहला फार्मूला में जेड का वैल्यू ऊपर है दूसरा फार्मूला में जेड का वैल्यू ऊपर है और तीसरा फार्मूला देखो जेड और एन नीचे ऊपर अल्टरनेट हो चुके हैं पहला फार्मूला और आखिरी का फार्मूला में देखोगे यहाँ पे स्क्वायर टर्म है जेड का भी स्क्वायर टर्म है आखिरी फार्मूला में सिर्फ जेड है एन का स्क्वायर टर्म है और वेलोसिटी में किसी का भी स्क्वायर नहीं है इतना आपको डिफरेंस ध्यान में रखकर ये तीनों फार्मूला याद रखना है कल अपन पूरा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल ही लेंगे ओके अभी अगला क्या इंस्ट्रक्शन है फिजिक्स अभी 5 मिनट के बाद आपका फिजिक्स का लेक्चर चालू हो जाएगा थैंक यू गुड बाय और जो जो जरा क्यों बता सॉरी था और ऑफ ले सब